इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक विधायक मधु श्रीवास्तव का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल की नियुक्ति के बाद नो रिपीटेशन थियरी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल के नाम तय किए गए। ऐसे में जब विधायक मधु श्रीवास्तव से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि अगर MLA के नाम घोषित करने में भी नो रिपीटेशन थियरी का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में विधायक मधु श्रीवास्तव ने बताया कि नो रिपीटेशन थियरी अन्य लोगों के लिए होगी, उनके लिए नहीं। वो वाघोड़िया से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो क्या कहना है मधु श्रीवास्तव का इस बारे में, आइए जानते हैं। हूँ चूंटनी जीतवानो, चूंटनी लड़वानो अने भाजप ने सपोर्ट आपवानो, एमां कोई शंकानो स्थान नथी। ભાજપ માં છું ને ભાજપ માં જ રહેવાનું છે, ભાજપ મારી કદર કરવાનું છે, ભાજપ મને ટિકિટ આપવાની છે। નો રિપીટ થિયરી આવે તો શું કરશો? રણનીતિ નો રિપીટ મારા માટે નહીં આવે, ગુજરાત માં બધા ના માટે આવશે, પણ મધુ શ્રીવાસ્તવ નહીં આવે। તમે 10,000 વોટ થી જીત્યા હતા, આ વખતે કેટલા વોટ થી જીતશો? આ વખત તો લગભગ 25,000 થી 30,000 વોટ થી જીતવાનો છું, એમાં કોઈ શંકા નો સ્થાન નહીં। એનું કારણ તાલુકા પંચાયત અમારી જીતી લાયા છે, જિલ્લા પંચાયત અમારી જીતી લાયા છે, એના કારણે 25,000 થી 30,000 વોટ થી જીતું છું। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।